हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। संध्या जी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी को पता है कि आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये आँखों के लिए, बालों के लिए और पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आज हम आंवले की 6 ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिनको बनाकर हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, और बनाना तो बहुत ही आसान है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। पहले बनाएंगे हम आंवले की चटनी। आंवले की चटनी बनाने के लिए 6-7 आंवले लिए हैं मैंने, जिनको गुठलियों से अलग कर दिया है। एक मिक्सर जार लिया है, उसमें डालेंगे हम कटे हुए आंवले, 2-4 लहसुन की कलियां, 2 अदरक के टुकड़े, 2-3 हरी मिर्च और खूब सारे हरे धनिया के पत्ते, और 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे, और इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, और इसको लंबे समय तक हरे रखने के लिए इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब। अगर आपके पास आइस क्यूब नहीं है तो आप मेरी तरफ बर्फ़ भी तोड़ के डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच बर्फ़ डाला है इसमें। अब इसको डाल के हम अच्छे से पीस लेते हैं। ये देखिए, चटनी हमारी पीस के तैयार हो गई है। जार से बाउल में डाल लिया है मैंने चटनी को। आप देख सकते हैं चटनी कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। इसे व्रत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें लहसुन अदरक को स्किप कर दीजिए और सेना नमक का यूज़ करिए, तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए दूसरी रेसिपी बनाते हैं। ये करीब 1/2 किलो आंवला है जिसको मैंने उबाल लिया है और उबाल के गुठलियों को अलग कर दिया है। 500 ग्राम में से 100 ग्राम तो गुठलियाँ ही निकल गई हैं, और ये 400 ग्राम पेस्ट बनके हमारा तैयार हुआ है। अब इसमें डालेंगे हम 250 ग्राम चीनी, और इसको लगातार चलाते हुए गैस पर मध्यम आंच पर पकाएंगे। यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सीधा आप तक पहुँचे। तो इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे हम। ये जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा। करीब 6-7 मिनट हो गए हैं मुझे चलाते हुए इसे, और देखिए जैम हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ी चमक लाने के लिए इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी, और घी डाल के गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। जैम हमारा बनके तैयार हो गया है। चलिए सर्व करते हैं इसे। देखिए कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है ये। ये बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे बड़े कोई भी खा सकता है इसे। इसे ब्रेड के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए। ये बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसे इस तरह बना के आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी बोतल हो या इस तरह के जैम के बोतल खाली हों तो आप इसमें भर के रख सकते हैं, और जब मन करे तब निकाल के खा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम आंवला लिया है, इनको गुठलियों से अलग कर दिया है उबाल के। अब इसमें डालेंगे हम करीब 200 ग्राम चीनी, और इसको डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे, और इसे मिला के हमें 1 दिन के लिए या 1 रात के लिए रख सकते हैं इसको। ये मैं पूरी रात के लिए इसको ढक के रखूँगी। किचन टॉवल रखा है, इसके ऊपर ढक्कन रखा है मैंने। चलिए 1 रात हो गया है, इसको चेक करते हैं। आंवला ने पानी छोड़ दिया है और चीनी भी बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। ऐसे ही चाहिए हमें। तो एक थाली लेंगे और इसमें हल्का घी लगा लेंगे। ये देखिए, इस थाली में मैंने हल्का घी लगा लिया है। अब एक फॉक की सहायता से हम चीनी में से सभी आंवलों को बाहर कर देंगे। आइस को निकाल के हम 2-3 दिन तक धूप में सुखाएंगे। ये देखिए, सभी को निकाल लिया है मैंने। अब जो सिरप बच गया है इसको हम अगली रेसिपी में यूज करेंगे। ये देखिए, 2 दिन सुखा लिया है मैंने। ये कुछ ऐसा दिखेगा, आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा और चटपटा बनाऊंगी, क्योंकि चटपटी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच पीसी हुई चीनी, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च।
इसको डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसको बना के आप डब्बे में भर के बच्चों के स्टडी टेबल के पास भी रख सकते हैं, ताकि पढ़ते समय जब मन करे तो निकाल के एक दो बच्चे खा लें इसमें से। चलिए नेक्स्ट रेसिपी बनाते हैं। ये 1.5 किलो आंवला लिया है मैंने, इससे मैं 3 रेसिपी बनाऊंगी। तो इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, और साफ़ करके कम से कम रगड़ के साफ़ करेंगे और 2 पानी धोएंगे। 2 बार धो के ये देखिए 2 बार धो लिया है मैंने, और इसमें पानी डालेंगे। ये साफ़ हो गया है, इसको साइड में रखते हैं। और एक बड़ा पतीला लेंगे, पतीला में भी थोड़ा पानी डालेंगे हम नीचे, ताकि ये चिपके ना। और पानी में से निकाल के आंवला को हम इसमें डाल देंगे। बर्तन में पानी हम कम ही रखेंगे और बिल्कुल इसे कम आंच पे पकने देंगे। ये देखिए करीब 20 मिनट हो गया है, 20 मिनट में आंवला हमारा पक गया है। और मैं बिल्कुल धीमी आंच पे पकाई हूँ इसको, ताकि तले में पानी रहे और ऊपर आंवला सूखा सूखा रहे। ये देखिए गुठलियाँ अलग हो रही है, अभी गर्म है ये, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसमें से हम कुछ आंवलों के गुठलियों को अलग कर देंगे। जो बचा हुआ पानी है इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसको आंवलों को पीसते समय हम यूज़ करेंगे। अगर बच गया तो इससे बाल भी धो सकते हैं, इसका शरबत भी बना सकते हैं। एक जार में डाल के आधे आंवलों को पीस लिया है मैंने। मेरे पास सर्दियों के बचे हुए गुड़ हैं, अब गर्मी इतनी पड़ रही है कि बिल्कुल ये पिघल गए हैं। अब पैन में डालेंगे हम 1 चम्मच घी, और डालेंगे हम आंवला का पेस्ट, और इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे। इसमें डालेंगे हम 500 ग्राम गुड़, आप चाहें तो इसकी जगह पे चीनी भी डाल सकते हैं, और इसको डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच सादा नमक, और 1/2 चम्मच सोल्ट पाउडर, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के मिला लेंगे। ये देखिए लगातार चलाते हुए पकाया है मैंने। ये देखिए करीब 6 मिनट हो गए हैं, 6 मिनट में ही कितना बढ़िया बन गया है ये। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच भर के आमचूर पाउडर, इसको हम मिला लेंगे। ये देखिए इसे लगातार चलाते हुए बिल्कुल धीमी आंच पे 8 मिनट तक पकाया है मैंने। अब इसका हम कैंडी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब गैस को बंद करेंगे और ठंडा होने देंगे। आधे बैटर को एक थाली में फैला देंगे ठंडा होने के लिए, और दूसरे थाली में और फैला के हम उसे धूप में रख देंगे। इसे चम्मच से चला के ठंडा किया है मैंने बैटर को। अब थोड़ी पिसी हुई चीनी लेंगे और हाथों में लगा के इसको मिलाते हैं। ये देखिए अभी अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है, ये अभी थाली थोड़ी गर्म है। हथेली पे थोड़ी पिसी हुई चीनी रखेंगे और थोड़ा सा बैटर रख के हम इसको ऐसे गोल घुमा लेंगे। अगर लगे कि बैटर ढीला है, नहीं बन रहा है, तो इसमें 2 चम्मच चीनी डालिए पिसी हुई, और 2 चम्मच आमचूर पाउडर डालिए, इसको मिला लीजिए, तो कैंडी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा और ये आसानी से बन जाएगी। इस तरह दोबारा हम हथेली पे चीनी डालेंगे पाउडर, और इसको मिला लेंगे। इस तरह हम सभी कैंडियों को बना लेंगे। ये देखिए, और पिसी हुई चीनी मैंने इसी बर्तन में डाल दिया है। देखिए कितनी अच्छी हमारी आंवला कैंडी बनके तैयार हो गई है। आप इस तरह भी बना के अपने बच्चों को खिला सकती हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये कैंडी। चलिए ये जो हमने थाली में धूप में सूखने के लिए रखा था, इसको हमने 2 दिन सूखा लिया है। अब सुखाने के बाद ये थोड़ा चिपक गया है थाली में, तो साइड से हम चाकू की सहायता से निकाल लेंगे पहले। इसको एक बीच से कट मारेंगे आधा, उसके बाद हम 2-2 इंच की पट्टी की तरह बीच में से काट लेंगे। ये देखिए इस तरह का कोई बर्तन ले सकती है या चाकू ले सकती है। थोड़ा सा उसमें हम घी लगा लेंगे, और घी लगा के इसको हम इस तरह पट्टी को निकाल लेंगे। ये देखिए पट्टी कितनी आसानी से निकल गई है। इसे चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं,
अगर चाहे तो इसे इस तरह रोल भी बना सकते हैं। मुझे रोल बना के बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरह हमारे बच्चे ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए हम इस तरह बनाते हैं इसको। ये देखिए, दूसरे पट्टी को भी निकालेंगे और इस तरह हम रोल बना लेंगे। इस तरह हम सभी को रोल बना लेंगे। इस तरह कैंडी रोल बना के भी हम अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी बनाते हैं। ये देखिए, करीब 1 किलो आंवला है जो मैंने उबाल के रखा था, और इसमें हम वो जो शुगर सिरप हमारे पास बचा था जो हमने कैंडी बनाई थी उसको डालेंगे, और इसमें 1 कटोरी चीनी और डाला है मैंने, यानी कि 1 किलो आंवला है तो इसमें कम से कम 500 ग्राम हम चीनी डालेंगे, और डाल के इसको हम पकने देंगे और इसको धीमी आंच पे ही पकाएंगे। इसे पकाते हुए कम से कम 9 मिनट हो गए हैं मुझे। अभी देखिए, चाशनी भी कम हो गया है और चाशनी भी चिपचिपा हो गया है थोड़ा, तो ये हमारा आंवला मुरब्बा बन के तैयार हो गया है। तो गैस को बंद करते हैं और इसी पर हम ठंडा होने देंगे। चलिए सर्व करते हैं। देखिए कितना बढ़िया रस से भरा आंवले का मुरब्बा बनके हमारा तैयार हुआ है। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।